जी बसमिल कर लेते हैं चैप्टर थ्री एम्यूनिटी एंड डिजीजेज़ दिस इज़ न्यू सकेंडरी साइंस फॉर क्लास सेवन इसके लास्ट टू टॉपिक रह गए थे हमारे पास द फर्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू अवॉइड कैचिंग अ डिज़ीज़ तो चलिए इसकी रीडिंग कर लेते हैं चूजिंग टू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूज़ द चानसेज ऑफ कैचिंग डिजीज़ तो हमें चाहिए कि हम ऐसी ज़िंदगी इख्तियार करें जिसमें हम हेल्दी फ़ूड खाएँ एक्सरसाइज करें हर वक्त लेटे ना रहें अपनी जिंदगी को एक्टिव बनाएं और रिड्यूस कर दें कम कर दें चांसेस जिसमें हमें बीमारियां लग सकती हैं लाइक हम खाने पीने में एहतियात करें अपनी सफाई का हाइजीन का ख्याल रखें और यही कुछ स्टेप्स जो है ना हम अभी आगे जाकर पढ़ने वाले हैं देर आर मैनी सिंपल थिंग्स यू कैन डू टू कीप हेल्दी एंड अवॉइड और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सिंपल हैं बहुत सादा हैं जिनको हम रूटीन का हिस्सा बना के इन सारी बीमारियों से और दूर रह सकते हैं बच सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं द फर्स्ट थिंग इज़ कुक फूड थोड़ली एंड ईट इट वल्स इट इज़ हॉट कीप फूड इन अ फ्रिज और अ फ्रीज़र अनटिल इट इज़ नीडेड अब हमने क्या करना है खाने को अच्छी तरह पकाना यानी कच्चा खाना नहीं खाना और, और ताज़ा ही खाना खा लें तो बहुत बेहतर है अदरवाइज़ अगर आपने ज़्यादा खाना पका लिया है और आपको उसको रखना है तो आप काइंडली उसको बाहर मत रखें उसको फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर सेव कर दें और ताकि आप उसको जब भी ज़रूरत पड़े निकाल कर दोबारा से गर्म करके खा सकें सेकेंड थिंग इज़ बैथ और शावर रेगुलरली टू रिमूव स्वेट एंड डर्ट स्पेशली फ्रॉम हेयर फीट एंड अंडर द आर्म मेक श्योर क्लोथ्स आर चेंज एंड वॉश्ड रेगुलरली दूसरा तरीका ये है अपनी हाइजीन का ख्याल रखें उसमें आपने डेली बेसिस के ऊपर रेगुलर हाथ लेना है ऐसे नहीं कहना भाई सर्दियाँ वो हो भाई सर्दियों में भी और गर्मियों में भी दोनों मौसमों में आपके लिए ये कंपल्सरी है कि आप शावर लें ठीक है और जब भी शावर लें कपड़े चेंज करें ऑन डेली बेसिस ख्याल रखें कि आपके बाल आपके पाँव आपके जो अंडर आर्म्स हैं वो अच्छे से साफ हों आपके हाथ पाँव अच्छे से धुले हों कहीं कोई गंद या मैल ना लगा हो आपके बालों में कोई मिट्टी शिट्टी ना हो ठीक है उसको भी अच्छे से साफ़ करें और कपड़ों का भी ख़्याल रखें वॉश योर हैंड्स थोड़ली बिफोर हैंडिंग फूड स्पेशली आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट पुट अ प्लास्टर ओवर अ कट अंटिल इट हील्स अब एक और बात जो आपने ख्याल रखनी है अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोना है जब आप वॉशरूम से बाहर निकल रहे हैं ठीक है और खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी अच्छे से हाथ धोने हैं ठीक है थीके? इसके अलावा आपने अगर आपके हाथ पर कहीं कट लग जाता है तो आप फ़ौर से उसके ऊपर प्लास्टर लगाएं उसको ऐसे खुला मत छोड़ें ठीक है क्योंकि उसमें इट माइट बी अ चांस टू गेट माइक्रो इनसाइड योर ब्लड और इनसाइड योर बॉडी ठीक है अगर ब्लड स्ट्रीम में चले गए तो दे कैन हम यू रेली सीरियसली तो इससे अवॉइड करें हैंड सैनिटाइज़र कैन बी यूज इन एडिशन टू वॉशिंग और वन सोप एंड वाटर आर इन अवेलेबल अगर आप ऐसी जगह पर हैं या कहीं आप घर से बाहर हैं जहाँ पर आपको पानी अवेलेबल नहीं है लाइक यू आर ट्रैवलिंग तो अपने साथ सैनिटाइजर रखें ताकि आप पानी ना होने की सूरत में उस सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ़ कर सकें अब ये जो एक आदमी की पिक्चर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर भी सेम यही वाले पॉइंट्स लिखे गए हैं आई डोंट नो वाई दे लाइक डू दिस के उन्होंने एक ही चीज़ को दो दफ़ा यहाँ पेस्ट कर दिया है खैर uh, उनकी मर्जी उनकी बुक है क्या कह सकते हैं लास्ट uh, में हम आपको दिखा रहे हैं कि एक लड़की है जिसने मास्क वेयर किया हुआ है वेयरिंग अ मास्क एज इन क्लोज स्पेस सच एस ऑन अ बस और अ ट्रेन और वन मिक्सिंग विद पीपल यू डू नोट नो अब वाइट सोटेक्शन अगेंस्ट एयरबोन सचेस इन्फ्लुन्जा एंड कोविड नाइन्टीन वायरसिस अब आपने एक और काम जो करना है आफ्टर दैट पैंडमिक जो कि हमारे ज़िंदगी में एक तूफान बनकर आया था अभी भी उसका ख़तरा टला नहीं है ठीक है ना और अभी और आने वाले फ्यूचर के अंदर अल्लाह ना करे ना करे लेकिन uh, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई और कोविड की तरह की कोई और चीज़ भी निकल सकती है ठीक है ना क्योंकि हम जितनी एडवांसमेंट की साइड पर जा रहे हैं ना उतना ही थाउजेंड्स को भी आ, अपने साथ साथ एडवांस लेवल पर लेकर जा रहे हैं ठीक है तो रिस्क है अपने आप को मास्क लगा के रखें जब भी आप किसी ऐसी गैदरिंग में जिनको आप नहीं जानते लाइक आप ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हैं या आप कोई रश एरिया में हैं या आप स्कूल में हैं और आ, आ, वो जानने ना जानने से मुराद ये है कि और जिन लोगों को तो आप रोज़ मिलते हैं उनका तो आपको पता है कि ये बंदा बीमार नहीं है ये ठीक है लेकिन जिन लोगों को आप नहीं मिलते और वो स्ट्रेंजर्स हैं तो वो ई बात है हमें नहीं पता किसी को क्या बीमारी है तो वो हमें ज़ुकाम नज़ला ज़ुकाम खांसी तो यह देखें वायरल चीज़ें ये चीज़ हो सकती हैं और कोविड नाइन्टीन बिगड़ी हुई शक्ल है आपको पता है नमोनिया की तो इस इसके जितने वायरसेज होते हैं ना ये हैंग आउट कर रहे होते हैं हवा के अंदर तो हम बच के रहें इस चीज़ से तो बेहतर है और वो हम कैसे बच सकते हैं मास्क का इस्तेमाल करके ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और अब स्ट्रेटजीज़ जो हमने दे लेनी है फॉर स्ट्रैथनिंग द इम्यून सिस्टम अपने इम्यून सिस्टम को गति मुदाफ़त को मज़बूत करने के लिए जो कदम हमने उठाने हैं वो क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें आपको डिफरेंस आ सकता है कि बताएं कि क्या प्रिकॉशंस आप लेंगे और आप क्या स्ट्रेटजीज करेंगे अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए ठीक है तो हम यूं करेंगे कि देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ वाइडिंग एन इन्फेक्शन और डिजीज़ दे कैन ऑल्सो हेल्प यू टू कव फ्राम अ डिजीज़ इफ़ यू गेट वन अब यहाँ पर कुछ ऐसी मालूम आपको दी जा रही है जिससे आप अगर तो इन्फेक्टेड हो गए हैं तो उसमें से किस तरह रिकवर कर सकते हैं सेहतियाब कैसे हो सकते हैं और अगर आप अभी तक बचे हुए हैं तो अपने आप को मजीद बचा कर कैसे रख सकते हैं इन सारी बीमारियों से गेट वैक्सीनेटेड है सबसे पहले तो आप वैक्सीनेशन करवाएँ अपनी अपने अंदर एंटीबॉडीज़ uh, के लिए अपने वाइट ब्लड सेल को तैयार करें ठीक है ताकि वो ऐसी एंटीबॉडीज़ जनरेट कर ले कि अगर ख़ुदा ना खास्ता आपको कोविड या इस टाइप की कोई और आ, चीज़ आ, आपके सामने आती है तो आपकी बॉडी उसके लिए तैयार हो उससे लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल अलर्ट हो अदर दैन बाई अ नेचुरल इम्यूनिटी नथिंग कैन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इन्फेक्शस डिजीज एज़ वेल एज अ वैक्सीन तो बेहतर यही है यह कि आप वैक्सीनेशन ले लें आगे है डू रेगुलर एक्सरसाइज मॉडरेट लाइट एक्सरसाइज इज अ फुल वर्कआउट फॉर बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम इट इज आल्सो गुड फॉर मेंटल हेल्थ तो जरूरी नहीं है कि आप हार्श किस्म की एक्सरसाइजेस करें बहुत दो दो घंटे भागते रहें भागनों की तरह तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लें लाइक घर में ही कुछ काम कर लें अब आजकल जैसे सर्दियाँ हैं बाहर जाने को दिल नहीं करता है तो बेहतर तरीका ये कि घर की सफ़ाई करें ठीक है सारी मेड्स को छुट्टी करवाएँ पर पैसे ज़रूर दें उनको छुट्टी के क्योंकि उनके भी छोटे चुट छोटे बच्चे हैं लेकिन उनकी जगह खुद काम करके देखें तो आपको बहुत अच्छा फील होगा जैसे आपका वार्म अप होगा और थोड़ी सी स्वेटिंग होगी आपको ज़रूरी है ये क्योंकि हम बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं बैठ गए रज़ाइयों के अंदर छुप के तो ये कोई तरीका नहीं है दिस नॉट द राइट लाइफ स्टाइल भी आर चूजिंग तो बेहतर है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर यही आपकी एक्सरसाइज होगी कि आप घर का थोड़ा बहुत काम करें हिले जुलने थोड़ा सा ईट हेल्दी बैलेंस डाइट इसके अलावा आप बहुत ही बेहतरीन किस्म की बैलेंस डाइट लें लाइक आपके खाने में सारी चीज़ें मौजूद हों सेलड भी हो हाई प्रोटीन भी हो कार्बोहाइड्रेट्स हों फाइबर्स हों रफेज हो सब कुछ हो आपके खाने में सिर्फ यही नहीं है कि आप पराठों पर लगें तो जना पराठे और अगर मछली खा रहे हैं तो मछली मछली खाई चले जा रहे हैं या पाए बनाएँ तो बस नारी पाए इस किस्म की चीज़ें या अगर अवॉइड करने पर आएँ तो सिर्फ सैलड और दालों पर आ गए ये भी कोई तरीका नहीं है तो आपने सब कुछ लेना है लेकिन इन अ स्मॉल पोर्शन तो आप स्मॉल स्मॉल पोर्शन में लेंगे सारी चीज़ें मज़ा भी आपको आएगा और आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन भी मिलेगा ईट हेल्दी बैलेंस डाइट का यही मतलब है कि बैलेंस डाइट ये होती है जिसमें आपके फ़्रेश फ्रूट्स हों नट्स हों ग्रेन्स हों और होल ग्रीन्स में आपकी दालें शाल आ जाती हैं सारी चीज़ें आ जाती हैं और वेजिटेबल्स आ जाती हैं ठीक है थीके? तो वैसे भी आपको एक जो है ना हाथ भर के एक मुट्ठी में जितने भी आपके नट्स आते हैं ना वैरायटी ऑफ नट्स वो आपको डेली बेसिस पर खाने चाहिए फिर एग्स लें प्रोटीन वग़ैरह लें ये बहुत ज़रूरी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गेट प्लंटी ऑफ स्लीप लैक ऑफ स्लीप मेक्स यू सस्पेक्टेबली टू इलनेस और uh, आपसे क्या होगा कि अगर आप नींद पूरी नहीं करते आपको थकावट का एहसास होगा आप बीमार फील करेंगे प्लन्टी ऑफ स्लीप हैज़ बेनिफिट्स फॉर द इम्यून सिस्टम क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी हो आपका जिसम थका ना हो ठीक है ताकि वो अच्छे से काम कर सके टीन एजर्स नीड नाइन टू टेन आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट और जो छोटे बच्चे होते हैं टी में जो है दो साल से आप चौदह पंद्रह सोलह साल तक लगा लो उन सबको नौ से दस घंटे नींद की ज़रूरत होती है तो वैसे आज के बच्चे तो माशाला छुट्टियाँ चल रही हैं तो बारह बारह घंटे भी सो रहे हैं ख़ैर हम बड़ों को भी नींद की ज़रूरत है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपने याद रखनी है इसमें इन्होंने एक चीज़ जो है आ, वो नहीं बताई शायद हम आगे जाके वो डिस्कस करेंगे डोंट गेट ओवर वेट कभी भी मोटे मत हों देर स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस दैट उबेस्टी अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम क्योंकि जो मोटे बंदे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन होता है इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस इन एनस वैदर दे आर माइनर और मोर सीरियस अगर आप थोड़ी सी भी बीमार पड़े ना तो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा उठ कर बाथरूम तक जाना ठीक है और ऐसे बंदों को लोग कैरी भी नहीं करते ठीक है इसके अलावा भी आपकी बॉडी जो है ना आपका साथ नहीं देती आपका इम्यून सिस्टम थक जाता है बहुत जल्दी तो बेहतर है कि आप ओवरवेट ना हो ज़्यादा वेट गेन ना करें ट्राई नॉट टू वरी स्ट्रेस नहीं लेना डिप्रेशन में नहीं आना टेंशन नहीं लेने ठीक है स्ट्रेस कैन इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम आपके इम्यून सिस्टम को तबाह कर देता है स्ट्रेस ठीक है समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नॉट गेट स्ट्रेस अबाउट थिंग्स बट एक्सरसाइज इन प्लानी ऑफ स्लीप कैन रियली हैव तो अगर चलें ऐसा होता है कि हम जान कर नहीं टेंशन लेते लेकिन आ जाती जैसे सी पी की टेंशन है ओ बड़े पेपर आ रहे हैं ये क्या करेंगे किस तरह होगा ठीक है तो उसमें बेहतर है कि आप अच्छी जो है ना पलंटी ऑफ स्लीप लो एक्सरसाइज करो नींद पूरी करो तो ये ठीक हो जाएगा मामला अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग अल्कोहल से बचना है वैसे भी हराम है स्मोकिंग भी हराम है तो इन सारी फजूलियात से बचें क्योंकि ये आ, समझ लें कि आपको डिजीज में इन्वॉल्व करने का सबसे बड़ा हाथ इन्हीं चीज़ों का है ऐसा निमोनिया है स्मोकिंग डैमेज़ द लंग मेकिंग इट ईजियर टू पथाउज टू अटैक द रेस्परेटरी सिस्टम तो अगर जैसे निमोनिया हो जाता है ठीक है और अगर आप स्मोकर हैं तो समझें कि आपके फेफड़े तो वैसे ही स्मोक कर करके थके हारे हैं तो उन्होंने पैथोजेंस के खिलाफ कहाँ एंटीबॉडीज क्रिएट करनी है तो वो कुछ नहीं कर सकते और आप खुदा नखास्ता उस बीमारी में बहुत ज्यादा डाउन हो जाओगे और जो भी माइक्रो आर्गनिज़म जो कि अटैक करेंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे निज़ाम तनासफ़ के ऊपर तो आपका वो सारा निज़ाम बिगड़ जाएगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना फेफड़ों के ऊपर आपके सारे रेशा जम जाएगा ठीक है तो यही हुआ ना कोविड के अंदर क्या था ये यही सब कुछ यही था और बहुत ज़्यादा अमबात का सबब भी यही बना कि हमने अपनी इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया हुआ था ना हेल्दी डाइट ले रहे हैं ना नींद ले रहे हैं ना स्मोकिंग छोड़ रहे हैं लोग शराब में पी रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि ये दुनिया में करने क्या हैं, ठीक है तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप ने हमें सिखाई हैं कि अपना ख्याल कैसे रखना है हमें सफ़ाई निसफ ईमान बुलाया गया है दीन में तो इस सारी चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं अच्छे से खाना खाते हैं अच्छे से वॉक करते हैं अच्छे से नींद लेते हैं पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो हम वैसी बीमारियों से महफूज रहेंगे तो चलिए जल्दी से डिट्यून नो you know, पढ़ लेते हैं वॉकिंग ट्रिगर्स द रिलीज़ ऑफ केमिकल कॉल्ड एंड हैप्पीनेस केमिकल इन टू ब्लड स्ट्रीम दिस कैन हेल्प टू लोअर एंगजाइटी इंक्रीज़ द फीलिंग ऑफ वेल बींग एंड लीव यू मोर रिलैक्सड तो आपसे ये पूछा जाएगा दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कौन सा केमिकल है जब हम वॉक करते हैं तो ट्रिगर होता है एक रिलीज होता है केमिकल का हमारे दिमाग में ब्रेन में तो वो एंड है और यह किस चीज़ का है ये हैप्पीनेस केमिकल भी बुलाते हैं इसको इससे हमें अजीब सी खुशी महसूस हो रही होती है ठीक है ना कभी आप नोट करें सुबह सुबह उठे पाँच वक्त की नमाज पढ़ें ठीक है सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी आपने और आप वॉक पर निकल के जब आप वापस आएंगे आपका सारा दिन खुश गुजरेगा आपको पता ही नहीं होगा मैं इतना खुश क्यों हूँ ठीक है तो ये इसी वजह से कि आपने एक तो अल्लाह की इबादत की सुबह सुबह उठ के और दूसरा ये कि ये जो केमिकल अल्लाह ने आपके दिमाग में बनाने के लिए दिमाग को कहा था उसने आपको ये खुशी बख्शी ठीक है ना तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ खून जा रहा है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये केमिकल डिज़ोल्व होगा और आपको हशाश बशाश रखेगा सारा दिन और आप बहुत रिलैक्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी तो ये ने बच्चों मैंने आपके लिए टॉपिक अपलोड कर दिया है थैंक यू फॉर ने के बाद